जौनपुर की गलियां घूमते गोमती पार हम पहुंच गए बेनी प्रसाद दीनानाथ की 1855 से चल रही पुरानी दुकान पर। तो भी जौनपुर आए और बेनी राम देवी प्रसाद के यहाँ आपने अगर इमरती नहीं खाई, ये सारी इमरतियाँ हम और आप मिलके खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे हम। आशीष भैया हमारे साथ है, ये बताइए कि आपकी दुकान की इमरती जो है ये विश्व प्रसिद्ध हिंदुस्तान में क्यों है? ये जो है पूरी तरह से जो नेचुरल इमरती, लकड़ी की भट्टी, हरी उड़द की दाल, देसी चीनी जो गुड़ से तैयार की जाती है, खारसारी उसको पहले बोलते थे, और देसी घी, बस इसमें किसी तरह का कोई एसेंस नहीं, कोई कलर नहीं, और ये देसी चीनी की वजह से ये इमरती सॉफ्ट रहती है, यहाँ पे हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं, और कलर भी नहीं डालते आप, लाल नहीं करते, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए कितने किलो इमरती रोज की बिक जाती है? ट्रेड सीक्रेट है आपके, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा इसके बाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग का सीजन ही चलता है, आप देखिए इस समय बन रहा है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 80 के आसपास हम लोग 80 किलो, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। सिंपलीफाई करें कि दाल को पहले भिगाया जाता है, कौन सी दाल होती है? हरी उड़द, हरी उड़द की दाल होती है, उसको भिगाया जाता है, 4-5 घंटे में फूलती है अपने आप, फिर उसको पीसा जाता है, फिर उसको रगड़ के पहले साफ किया जाता है, उसके बाद उसकी पिसाई होती है, फिर हाथ से उसकी पिटाई होती है, उसके बाद उसको कपड़े में डाल के बस लतने जिसको बोलते हैं इमरती बन जाती है। इमरती का स्वाद तो आपका 150 साल से लगभग वही है, शहर का क्या मिजाज है? शहर तो विकास विकास हो रहा है, बदल रहा है, सरकार कुछ कर रही है, पहले से काफी चुनाव आ रहा है, इसलिए मैंने कहा ये भी पूछ लो आपसे। नहीं पहले से बदलाव काफी हुए, जैसे हम लोग को बिजली अच्छी मिल रही है, जगह जगह समय समय पर प्रोत्साहन का भी काम करते हैं, पर फिर सड़कें हैं, कोई चीज बन रही है तो उसके पहले कुछ ना कुछ तो भाई मेंटेनेंस लगेगा, लगेगा चलेगा, सही बात, लेकिन फिर भी बदलाव बहुत तो ये बताइए कि इमरती अगर मैं ले जाऊं इनको खिलाने के लिए जो देख रहे हैं तो कितने दिन चलेगी आपके यहाँ इमरती? बिना फ्रिज के आप इसको एक हफ्ता आराम से रख सकते हैं, 8 से 10 दिन किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थिति में आप इसको रख सकते हैं। 8 से 10 दिन चलेगी तो मैं लेके आता हूँ अगले हफ्ते, पहले आपको खिलाते हैं, यहाँ आगे खाना हो तो आपको ट्रैफिक का साउंड झेलना पड़ेगा, लेकिन इमरती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक मैं चुरा ले रहा हूँ इसमें से और इसके बाद बधवा लिया जाएगा। इमरती की ये दुकान पुल पार करते ही पड़ती है, गोमती के जिस पुल को पार करके हम यहाँ पहुंचे थे वो अकबर ने बनवाया था जौनपुर के किले को गोमती के दूसरे किनारों से जोड़ने के लिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, गार्डियन ऑफ मैनकाइंड, मूव्ड हिज स्टैंडर्ड्स आउट ऑफ दिल्ली टू जौनपुर ऑफ द लोअर हाइंड, वेयर अ मॉस्क वाज टू बी बिल्डेड एंड लवलियर नेयर वाज प्लान्ड, वेयर हिज वॉइसरॉय मुनीम खान स्लिप द ड्रॉइंग्स अंडर हिज हैंड। ऐसा रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी कविता अकबर्स ब्रिज में लिखा है। ये वही अकबर्स ब्रिज है, इसे शाही पुल कहा जाता है जौनपुर में, कहा जाता है उस कविता के हिसाब से अगर कहानी बताएं कि अकबर ने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाने के लिए मुनीम खान को कहा। जब अकबर यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गोमती नदी पार करने के लिए एक विधवा जो है वो रो रही है क्योंकि उसकी नाव छूट गई थी। तो अकबर ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ज़रूरत तो पुल की है, मुनीम खान मस्जिद बनवा रहे हैं। ये पुल अकबर के ज़माने से बना हुआ है, जौनपुर की पहचान है, और हम उम्मीद करते हैं कि पुल बनते रहने चाहिए, दूरियाँ कम होती रहनी चाहिए। आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। ABP News आपको रखे आगे।